प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। सिपाही की बेटी ने दरोगा पर लगाया यौन शोषण का आरोप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दरोगा पर सिपाही की बेटी के शरीर शोषण करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है, वहीं प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है, साथ ही दरोगा के ऊपर जांच बैठाई गई। जानकारी के मुताबिक मामला सिविल लाइन थाना का है। आरोपी दरोगा विजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि पिछले साल हमीरपुर में पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया था। यहां एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया था कि मऊदा कोतवाली में तैनात रहे दरोगा ने रिवाल्वर के नोक पर रेप कर उसका वीडियो बना लिया। पीड़ित महिला ने दरोगा के खिलाफ कोतवाली थाने में तकरार कर दी थी। बता दें कि दरोगा मौजूद समय में गोरखपुर में तैनात था। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।